हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है साबूदाने की खिचड़ी और आलू के पराठे बनाना। तो आइए, नवरात्रि के अवसर पर हम आलू के पराठे और साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम साबूदाने की खिचड़ी तैयार करेंगे। ये हमने एक कटोरी, छोटी कटोरी साबूदाना लिया था। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये फूल के इतना अच्छा हो गया है। और ये मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। एक ही आलू लिया है, इसको भी बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने इस प्रकार से। और ये एक नींबू का रस लिया है, ये मूंगफलियां ली है मैंने, और ये 8 से 10 मैंने सूखे कड़ी पत्ता लिया है, और 1/4 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, एक अदरक का टुकड़ा, इसको टुकड़े में बारीक टुकड़े में कट कर लिया है। एक मोटी हरी मिर्च ली है, इसको भी गोल टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़ा सा धनिया लिया है। तो आइए बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। ये मैंने एक सॉस पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं गर्म होने देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं मूंगफली को फ्राई कर लूंगी। अब मैं मूंगफली को फ्राई कर लूंगी। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इन्हें एक बाउल के अंदर निकाल लूंगी। मूंगफली को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें ये 1/4 चम्मच जीरा डालूंगी, साथ ही ये सूखे कड़ी पत्ते डाल दूंगी मैं इसमें, और अदरक को भी मैं इसी में डाल दूंगी। और अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, टमाटर के साथ ही नमक काली मिर्च, ये हमारे आलू भी अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये साबूदाना डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें ये नींबू का रस डाल दूंगी। और इसे मैं 1 मिनट के लिए ढक के पकने दूंगी। तो आइए मैं खिचड़ी को चेक कर लेते हैं। ये हमारी खिचड़ी बढ़िया से बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अंदर ये हरा धनिया डाल दूंगी। खिचड़ी को मैं ढक के एक साइड में रख दूंगी, और खिचड़ी के अंदर मैं ऊपर से ये मूंगफलियां डाल दूंगी और इसे एक साइड में ही रख दूंगी। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम आलू के पराठे की तैयारी करते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया है, और ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं जिसको मैंने मैश कर लिया है। इसको मैं इस बड़े बाउल के अंदर डाल दूंगी। साथ ही मैंने ये अदरक का एक छोटा टुकड़ा लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये हरा धनिया है। 1/4 चम्मच मैं इसमें ये जीरा डालूंगी। नमक स्वाद अनुसार डालूंगी इसमें, ये मैंने सेंधा नमक इस्तेमाल किया है इसमें। 1/4 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी, और इस पेस्ट को मैं मिक्स करके एक साइड में रख दूंगी। हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है पराठा का। अब हम आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कटोरी सामक का आटा लिया है, इसमें से मैं 2 चम्मच आटा निकाल लेती हूँ पुलोथन के लिए। अब मैं इस आटे को गूंथकर तैयार कर लूंगी। हाँ,
आटे को हमें सॉफ्ट भूनकर तैयार करना है, जिस प्रकार से हम रोटी का आटा तैयार करते हैं। और ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी आटे के अंदर। मैं दो से दो चार बूंदे ऑयल की डाल दी है मैंने इसमें। ये हमारा एकदम चिकना डो बनकर तैयार हो चुका है। देखो कितने अच्छे से डो बन के तैयार हुआ है आटे का हमारा। और इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। हमारा आधा गिलास पानी लगा है, आधे गिलास से भी कम पानी लगा है इसे। ये मैंने तवे को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छे से सेट हो चुका है, देखो कितने बढ़िया से सेट हुआ है। अब मैं एक पेड़ा करूंगी और इसे मैं सूखे आटे से लगाकर बेल लूंगी। ये मैंने बेल लिया है। अब मैं एक चम्मच की मदद से आलू का पेस्ट भरूंगी इसमें। मैं काफी सारे आलू भर दूंगी इसमें। इसे फोल्ड करूंगी हाथ की मदद से। ये मैंने अच्छे से इसे फोल्ड कर दिया है और अब मैं इस पे सूखा आटा लगाऊंगी और इसे मैं हाथ की मदद से घुमाऊंगी इसे। आप चाहे बेलन से भी बेल सकते हैं। और अब मैं इसे बेल लूंगी। और ये हमारा परांठा बेलकर तैयार हो चुका है। और इधर हमारा तवा गर्म हो चुका है, इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी ब्रश की मदद से। और अब मैं परांठे को तवे के ऊपर डाल दिया है और इसी प्रकार से मैं अपना दूसरा परांठा बनाकर तैयार करूंगी। इसमें भी मैं काफी सारा आलू भरकर तैयार करूंगी। मैं हाथ में उठा के फिर से फोल्ड करूंगी। ये देखो कितने अच्छे से हो गया है फोल्ड। और इसे दबा दूंगी मैं इस प्रकार से। और अब मैं सूखा आटा लगाऊंगी इस पे और अब मैं इसे हाथ से इस प्रकार से करूंगी। और अब मैं इसे हाथ से थोड़ा फैला लूंगी और अब मैं बेलूंगी इसे। आप चाहे इसे पन्नी की मदद से भी बेल कर तैयार कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से पन्नी की मदद से बेल जाएगा। आटा बेलकर तैयार हो चुका है। और अब मैं इस पराठे की साइड चेंज करूंगी। देखो कितने अच्छे से सीखा है। और अब मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी और इसकी साइड चेंज कर दूंगी मैं। और ये हमारा पराठा कितने अच्छे से सीख कर तैयार हुआ है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। देखो कितने बढ़िया से सीखा है पराठा। अब मैं दूसरा पराठा भी सेक लेती हूँ और अब मैं इस पराठे की साइड चेंज कर दूंगी और अब मैं इस पे भी ऑयल लगा लूंगी और इसे भी मैं सेक कर तैयार कर लूंगी पराठे को। और ये पराठा भी हमारा सिक कर तैयार हो चुका है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी पराठे को। ये हमारे सामक के भरमा आलू के पराठे और खिचड़ी साबूदाने की और ये दही के साथ मैंने इसे सर्व किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।